दोस्तों, मैं आज हूँ डी श्रीम इंडिया में और आज हम इनके पास एक्सोटिक एक्वेरियम फिश है वो कवर करने के लिए आए हैं। आप इस टैंक में देख सकते हो कितने लोगों का ये ऐसा ये जो टैंक है ड्रीम सेटअप हो सकता है। कितनी सारी वेराइटीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को, कितनी सारी वेराइटीज़ है यहाँ पे। बॉटम फीडर भी है, स्नेल भी है, श्रीम्स भी है और बाद में किली फिश भी है। मेरे को दो दो फाइटर फिश इन्होंने रखे, आप देख, फर्स्ट टाइम आपने देखा रहेगा कि दो दो फाइटर फिश एक टैंक में मेरे को। तो इसमें जितने भी फिश है वो कवर करने वाले हैं और ये सारे फिश है सेलिंग के लिए है, मतलब कोई भी ऐसा फिश है वो स्टॉक के लिए नहीं है। ये जो डी श्रीम इंडिया है ये पूरा यहाँ पे जितने भी मैं फिश दिखाने वाले हैं सारे सेल के लिए है। तो इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको जो भी फिश चाहिए इनसे आप ले सकते हो, या फिर अगर आप नियर बाय हो तो मैंने एड्रेस ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है तो यहाँ पे विजिट भी कर सकते हो। तो मेरे साथ है स्टोर के ओनर, डी श्रीम इंडिया के ओनर, जिनका नाम है सुजीत। रमेश भाई, आप फिर से यहाँ पे आने के लिए इनवाइट किया था, जैसे आप टाइम पे आ गए। यस, तो मैं कहना चाहता था अभी फिलहाल है जो आपके सामने सब एक्सोटिक वेराइटी जो प्लांटेशन के लिए प्रिफर करता हूँ मैं, बाकी बेयर बॉटम ये सब टैंक रहेगा तो उसमें किसको भी मैं प्रिफर नहीं करूँगा। तो सर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सोटिक वेराइटीज से, तो आप बताओ कौन से फिश के साथ हम लोग स्टार्ट करें। ये लीजिए किली फिश। यस, तो ये कौन सी किली फिश है? ये ऑरेंज लिप, जैसे लास्ट टाइम बताया था मैंने, किसा की किली फिश। यस यस, तो ये वो है जो लास्ट वीक में आके सोल्ड आउट तुरंत ही हो गया था 2 घंटे में। अच्छा अच्छा, इस टाइम किसी को मैंने फिलहाल अपडेट नहीं किया इसके बारे में क्योंकि किसी को टाइम पे मिल नहीं पाता है, तो मैंने रखा है अगर किसी को विजिट करना है या कुछ ऑफलाइन लेना है तो उनको मिल नहीं पाता है, तो जल्दी बुक हो जाता है, तो पता या नहीं किसी को अभी तक। और सर अभी ये कौन सी किली फिश है, ये भी सेम है कि? वो रेड टेल किली फिश है। अच्छा, रेड टेल किली फिश है। ये रेड ऑर्चिड किली फिश है। अच्छा, रेड ऑर्चिड, काफी सुंदर लग रहा है। ब्लू फिन नोथो किली फिश है। हाँ, ये तो बहुत टाइम के 1 साल के बाद ही आ गया है, मेरे को स्टॉक में मिल गया है। ये रेयरली थोड़ा ये वैरायटी अवेलेबल है। हाँ, वही मैं देखा है, बाकी वो 2-3 वैरायटी ईयरली 2-3 टाइम आता ही है। रिप्टेल कैट फिश है। हाँ, जो प्लांटेशन में रखते हैं वो भी अपने पास अवेलेबल है जुवेनाइल साइज में। अच्छा। एडल्ट साइज है जो डिस्प्ले के लगाने के लिए, जो एडल्ट होने के बाद कैसे दिखेगा वो दिखाने के लिए मैंने रखा है। और यहाँ पे मैं देखो ये छोटी साइज, ये छोटी है, ये अवेलेबल साइज है, मतलब ये सेलिंग के लिए ना, ये सब सेलिंग के लिए और ये डिस्प्ले के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों, मतलब कितना डिफरेंस है, ये देखो यहाँ पे स्मॉल साइज है और ये देखो कितना एडल्ट होने के बाद और कैसा दिखता है। यस यस यस, तो काफी बढ़िया अभी हमें दो कैच करने के लिए मिल रहा है। देखो पीछे भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे विप्टेल्स आ गए। देखो वहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे बड़ा है। देखो अभी पूरा आ गया बाहर, देखो देख सकते हो ये कितना डिफरेंस है साइज में और कैसा दिख रहा है। बाद में सर बेटा फिश, दो फाइटर फिश है एक साथ रह रहे हैं, बड़ा टैंक है, तो इनके बारे में बताइए। ये अभी दो फाइटर इसलिए रखे कि उनको छुपने के लिए या सर्वाइव करने के लिए बहुत सारा स्पेस है, तो कोई भी स्ट्रेस में नहीं जा सकता। यस यस, तो एक दूसरे को निपिंग करने का ज्यादा चांस भी नहीं है अगर आप फीडिंग ये सब टाइम टू टाइम दे रहे हो, शेड्यूल मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो इन लोग को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप दो भी साथ में रखते हो तो। उसमें साथ आप देख भी सकते हो किली फिश भी है, तो मतलब 6-7 किली फिश है तो आपस में भी नहीं लड़ रहे। यस, वही मैंने देखा कि किली फिश जो है ज्यादा हम लोग स्टॉक नहीं कर सकते एक साथ, और वो किली फिश भी अपने इस टैंक में रखे है प्लस बेटा फिश भी है। तो मैं ये बोला ना सर स्टार्टिंग में, ये बोला कि एक ड्रीम टैंक आप सोचते हो तो
किसी किसी का ऐसा ड्रीम टैंक रह सकता है। सो बाद में इस टैंक का मैं थर्ड बेटा फिश कवर कर रहा हूँ, इनके बारे में बताइए। ये भी आपको वीडियो कवर करने के लिए फिलहाल डाला हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इसको भी, तो ये भी साथ में, मतलब अगर मैं 3-4 भी डाल दो देता हूँ 5-6 फीट में फाइटर, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये कौन सा बेटा है सर? इसको कोई बोलता है, मतलब गोल्ड रोज बोलता है, या कोई नॉर्मली जो मस्टर्ड आता है वो भी बोल देते हैं, तो डिपेंड है, अभी लाइट के ऊपर डिपेंड है। अगर WRG भी आपका रहेगा या नॉर्मल T5 येलो स्टैंडिंग या ब्लू वाइट लाइट रहेगा, तो उसके ऊपर डिपेंड है उसका कलर कैसा हो जाता है। यस, अभी जैसे RGB में दिख रहा है तो रोज गोल्ड जैसे दिख रहा है थोड़ा बहुत, बट जैसे आप ब्लू लाइट या व्हाइट लाइट में डालोगे तो उसका और भी कलर डिफरेंट दिखेगा थोड़ा। अच्छा, एक बात मैंने देखी कि वो बेटा फिश भी आया, जो दूसरा बेटा फिश है, पर उसने कुछ किया नहीं इसको। हाँ राइट, जैसे बताया ना आपको, उसको छुपने के लिए या वो मतलब स्ट्रेस में ऐसा कोई भी बेटा नहीं या इसको फीडिंग टाइम पे नहीं मिल रहा है, हाँ। तो एक दूसरे को निपिंग कर रहे हैं, सब एकदम फ्रीली घूम रहे और एकदम हेल्दी। खूबसूरत सी फिश मैं कवर कर रहा हूँ जो पीछे गई मेरे को, सर इसके बारे में बताइए। ये फॉक्टे रैम्बो है, उसका लास्ट साइज है रीडिंग साइज, जो मैं डिस्प्ले के लिए रखा हो, तो इसमें मेरे पास अभी फिलहाल है वो जोएनर साइज है सेलिंग के लिए। ये एडल्ट पीस में रखा हो, क्योंकि एडल्ट होने के बाद कैसा वो दिखता है एक्चुअल ब्यूटी उसका, तो उसमें पता चल जाता है। अगर इसमें किसको समझ में नहीं आता है जोएनर साइज में क्वालिटी है सब नॉर्मल, तो उसके लिए मैं दिखाने के लिए वो डिस्प्ले पीस रख दिया हूँ। जुवेनाइल के बाद एडल्ट पीस कैसे हो जाएगा? ये रेड कलर का है, वो एम्बर टेट्रा है, फुल्ली रेड कलर। यस, वो भी एडल्ट साइज है, आपको मिल जाएगा, इसमें जुवेनाइल साइज मिल जाएगा सेम क्वालिटी का, वो क्वालिटी का कोई इशू नहीं है एडल्ट होने के बाद। ये स्वाबुआ बार बोलते हैं इसको, या माइक्रोनेट रास्पोरा, ये रमिनोज जैसे दिखता है, मतलब एशियन रमिनोज वो सब इसको बोला जाता है। यस यस, हाँ, तो ये सबको, किसी को भी रमिनोज लगता है या किसी को कुछ और लगता है, बट वो रमिनोज नहीं है, ये स्वाभाव है। एक्चुअल प्लांटेशन में इसका ब्यूटी, मतलब ये रेयरली अवेलेबल है, ये भी अभी एक कस्टमर के हिसाब से उसका बुकिंग हो गया, उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मैंने ऑर्डर डाला था, उसको सेट करके रखा। दोस्तों मैं यहाँ पे मैं वीडियो के पहले में कुछ बोलना चाहता हूँ, इसको कवर करने से पहले, टीम श्रीम इंडिया में मैंने 3 शूट किए हैं, तीनों टाइम मैं शूट कर रहा था, तभी एक्चुअली मुझे ये जो है विप्टेल मुझे कवर करने का था, पर तीनों टाइम नहीं मिला, पर लकी हूँ मैं अभी कि वीडियो में अभी आ रहा है और आप सबको मैं दिखा सकता हूँ। तो सर इसके बारे में बताइए। ये रेड लिजार्ड विप्टेल है, ये टैंक का मास्टर पीस है, जो टैंक का ब्यूटी है एक्चुअल में विप्टेल में, वो प्लांटेशन में विप्टेल सीरीज में सबसे बेस्ट है वो लिजार्ड विप्टेल। इसका ये लास्ट साइज है, जो मतलब सब विप्टेल में से इसका ही साइज इतना ही रहता है, जो बड़ा नहीं होता इतना, अभी देख रहे हो आप, आई थिंक सो 3 इंच के आसपास ही उसका साइज है, उससे ज्यादा मतलब इतना बढ़ता नहीं है। Yes. अगर आप रॉयल विप्टेल भी डालते हो तो उसका जैसा टाइम जाएगा, उसको 2-3 साल के बाद वो 6-8 इंच तक बढ़ जाता है। अगर आपको छोटे में ऑप्शन चाहिए, अगर आपका स्कीपिंग मतलब टैंक में पूरा ग्रीनरी है, तो आपके लिए रेड विजार्ड इज बेस्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट टाइम सर वीडियो में कवर हो रहा है, मैं भी अभी कितना रेड है, बहुत ज्यादा रेड है वो, और दिखता भी नहीं, इतने सारे जो रेडिश प्लांट है तो उसमें दिखता भी नहीं, और लकीली नहीं आता है वो, सामने से ही वो आ गया, वो सामने आ गया, हम लोग वीडियो शूट करने से पहले भी इसको 10 से 15 मिनट एक्चुअल हम लोग इसको ढूंढ रहे थे, बट मिला ही नहीं, और अभी लकीली फिश को कवर कर रहे थे यहाँ पे और सामने आ गया, ये सीधा कैमरे के सामने आ गया, तो काफी अच्छा आपने ब्यूटी देखी रहेगी। तो आप बताओ कि आपने रेड विप्टेल अपने इसके पहले कभी देखा है क्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में
अपडेट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। आज में अभी हम मोहन और इस फिश को कवर कर रहे हैं, सर इसके बारे में बताइए। ये पास्काई रैम्बो है। हाँ, ब्लू आई पास्काई रैम्बो है। यस यस, ये भी सब एडल्ट साइज में अपने पास, एडल्ट में उससे भी बड़े साइज में फिलहाल अवेलेबल है। हाँ, जो एक मोमेंट रहता है उसमें जो शो ऑफ करते हैं, तो उसके जैसा कोई भी रैम्बो नहीं है जो इतना सुंदर दिखे। यस, यहाँ पे सर ये ब्लू आई स्पॉटेड फुरकाटा जिसको गर्ट्रूड रैम्बो बोलते हैं। यस यस, ये भी सेम पास्काई जैसे है, ये व्हाइट कलर में और वो रेड कलर में। अच्छा, गूगल भी करोगे तो पता चलेगा कितना शॉक करता है फिश। एक स्पेशल मोमेंट रहता है तभी स्पॉनिंग के टाइम, या दो मेल एक साथ रहेंगे तो इतना शॉक करते। गैलेक्सी राजपोर है। अच्छा, गैलेक्सी राजपोर है, इसमें मेल फीमेल है जो आपको मिल जाएगा। फुल एडल्ट साइज में चाहिए तो एडल्ट में मिल जाएगा, जुवेनाइल में चाहिए तो जुवेनाइल में मिल जाएगा। ये है रॉकेट किलीफिश, या इसको क्लाउन किलीफिश भी बोला जाता है, जो किलीफिश में सबसे ड्वार्फ वैरायटी है, उसमें से एक है। अगर आपको नैनो टैंक या टेरारियम ये सब कुछ बनाना है तो उसके लिए ये सब बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, मतलब इनका ये लास्ट साइज है। हाँ, इनका ये लास्ट एडल्ट साइज है, बहुत ही सुंदर दिखता है अगर क्लोजली इसको देखते हैं तो। ये सब स्ट्रॉबेरी राजबोरा है जो मैकुलाटा राजबोरा जैसे दिखता है, तो सब जन कन्फ्यूजन होते हैं कि ये मैकुलाटा राजबोरा है, लेकिन उसमें से भी ये ड्वार्फ वैरायटी है। अच्छा, उसकी भी? हाँ, उससे भी छोटा वैरायटी है, जो मॉस्किटो राजबोरा जितना इसका साइज है। सब ट्रेड फिन रैम्बो जो अभी फिलहाल तो मेरे को नहीं लग रहा है किसी के पास अवेलेबल है, वो या बहुत हार्डली सेट होता है जो मैं सेट करके रखा हूँ, और सेलिंग के लिए भी फिलहाल ज़्यादा डाला नहीं हूँ मैं तो। ऑलमोस्ट सेट होके इसको दो हफ्ता चला गया है, तो अभी रेडी टू सेल है। बताना चाहता हूँ मैं वीडियो से पहले, इतने बड़े साइज में फर्स्ट टाइम मैं एम्पोरेड एट्रा कवर कर रहा हूँ। ऐसे कुछ ऐसे व्यूअर्स रहेंगे फर्स्ट टाइम ऐसा एम्पोरेड टेट्रा इतने बड़े साइज में देख रहे रहेंगे, तो सर अभी इसकी क्या साइज है? अभी इसकी 1.5 इंच तक साइज है। प्रॉपर 1.5 इंच। अगर किसी को मतलब टेट्राज में ही बड़ा वैरायटी रखने का किसी का मन है तो ये सब टेट्राज बेस्ट है उनके लिए। एम्पोरेड टेट्रा हो गया, चेरी बाब हो गया, और सब 3 फीट के लिए मैं सजेस्ट कर दूंगा, तो बेस्ट उसके लिए ऑप्शंस है। यहाँ पे ये सब वैम्पायर क्रैब्स है, सब सॉर्टेड पीस है, सब के सब। अच्छा, जो मेरे पास कोई भी आइटम रहेगा वो सॉर्टेड पीस का ही रहता है अलमोस्ट। देख सकते हो सबका, मतलब किसका भी पैर टूटा नहीं है। यस, या उसका हाथ या कुछ भी कुछ टूटा नहीं है। सब प्रॉपर के प्रॉपर है, जो आपको कहाँ पे ठीक से मिलेगा नहीं। अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर डाल देते हो नियर बाय, आपको परफेक्ट पीस ही मिलेगा। ये अभी क्या साइज में सर? ये साइज अभी इसका पकड़ो ना, बॉडी साइज ये 1/2 इंच है। बाकी सब पैर वो सब पकड़ के उसका 2 इंच तक चला जाता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो डी श्रिप इंडिया का था, जिसमें हमने अलग अलग वेराइटीज के एक्जोटिक एक्वेरियम फिश है वो कवर किए है, और ज़्यादातर के जो फिश है ये लाइव ब्लेंडेड एक्वेरियम में हम लोग स्टॉक करते हैं, तो सारे यहाँ पे एक्जोटिक फिश है हमने कवर किए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। अगर आपको कोई भी एक्वेरियम फिश की रिक्वायरमेंट है तो मैंने नीचे डी श्रीम इंडिया का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, तो उनको आप कॉल कर सकते हो, और वो भी आपको एक्वेरियम फिश चाहिए तो उनसे आप ले सकते हो। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।